सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बहुत अच्छा कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस चैनल को, सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट ताकि आगे आने वाली सब वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहे अच्छी तरह से। तो मेरा दोस्तों आई लव लातेहार, तो बहुत जल्दी से आप इसे छेड़ भी देते हैं तो आपका क्या असर करेंगे, भगवान मालिक है। तो गलती ऐसा कभी ना करें, यहाँ पे बंदर पकड़ के कभी ना लगे, कभी भी कोई जानवर को ना मारे और गाड़ी इस जगह पे सावधानीपूर्वक क्रॉस करें, सावधानीपूर्वक लेके जाए। और देखिए हमारा बिस्किट को पूरा पैकेट ही लेके चला गया था अभी वो लोग। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं अपने घर से, 2 से 3 दिन के लिए गायब होने वाले हैं और अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ के जाने वाले हैं। तो देखिए डोडो रिवा काफ़ी इमोशनल हो रही कि पापा मत जाइए, हम भी जाएंगे साथ में। तो देखिए बच्चे किस तरह से ये हो रहे हैं और मुझे चश्मा लगाए देख के डोडो रिवा को थोड़ा सा अंदर देखिए कैसे बच्चे कर रहे हैं, थोड़ा सा उदास हो गए हैं। और रिवा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि रिवा थोड़ा सा मस्ती ज़्यादा करती है। और देखिए ये है जीवा, जीवा को भी छोड़ के जाने वाले हैं। सो बेटा देखिए जीवा, देखिए इधर जीवा को, जीवा उधर जा। सो मम्मा के पास ही वो ज़्यादातर रहती है, अभी बच्ची है। तो हम जाने वाले हैं अब यहाँ से घर से विदा लेते हैं। तो बच्चे काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, देखिए हम तैयार हो चुके हैं, रेडी हो गए हैं जाने के लिए, अब यहाँ से निकलेंगे। सो बच्चे काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। सो बेटा हम लौट के आते हैं, जल्दी से आ जाएंगे। डोडो नहीं वैसे करते बेटा, नहीं रोते, देखिए देखिए इधर। अच्छा पापा जल्दी आएंगे ना, एक बार बाय कर दीजिए। पापा बोलिए अच्छे से जाइएगा, और जल्दी आइएगा, अच्छे से देख के एक बार स्माइल करके बेटा, आप रोइएगा तो हम नहीं जा पाएंगे। देखिए स्माइल करके बोल दीजिए, स्माइल कर दीजिए, एक बार हंस दीजिए, देखिए लोग देख रहे हैं बेटा आपको। तो देखिए फाइनली डोडो डोडो स्माइल करके बोल दी कि पापा जाइएगा, अच्छे से आइएगा। तो हम इस जगह से निकलने वाले हैं और हम अपने भगवान जी को भी प्रणाम कर लेते हैं, वो हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है माँ रानी का। और हमारे हनुमान जी, राम दुलारे तुम खुआरे होत ना आज्ञा, बिन पासारे ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल दीजा। बाय बेटा, इधर आई टुलटुल, अब मेरा टुलटुल है, एक पप्पी दे दे बेटा। तो बच्चे को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, बच्चे अच्छा से रहे। तो हमारे सामने देखिए हमारा गाड़ी तैयार हो चुका है, देखिए मेरे से तैयार हो चुका है और बच्चे हमको बाहर तक छोड़ने आए हैं। डोडो कम बेटा, कम हेयर। सो फाइनली हम निकलने वाले हैं, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा बच्चों को छोड़ के जाने के लिए। और आज दीपावली कल ही रात में था और आज हम उसके एक दिन जस्ट बाद निकल रहे हैं क्योंकि स्कूल का छुट्टी मंडे से स्कूल खुल जाएगा और मेरे पास टाइम नहीं रहेगा और हम बाहर कहीं नहीं जा पाते हैं इस मैकलुस्कीगंज के अलावे। तो मुझे अभी टाइम मिला है तो मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, बाहर का ब्लॉग शूट करता हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको ब्लॉग अच्छे कुछ अच्छा अच्छा सीन दृश्य नज़ारा दिखा सकूँ। सो हमारी वाइफ पत्नी रीता हमें पानी का बॉटल दी है कैरी करने के लिए। तो अब हम फाइनली निकलते हैं। बाय बच्चों, बाय कीजिए पापा, टाटा। तो देखिए हम गाड़ी के डिक्की में सारा सामान रख लिए हैं अपना और पानी का बोतल भी रख लेते हैं, टूटेगा तो नहीं टूटेगा बेटा क्योंकि पानी का बोतल जरूरी है क्योंकि जंगल पहाड़ में जा रहे हैं और कभी वैसा प्यास लग गया। तो देखिए हमारी ये जो डॉगी है और ये माँ बन चुकी है, बच्चों को छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है। रीता एक तो झुसका लेकर आइए बेटा, कहाँ रहते हैं आप? आज इधर आ। सो देखिए हमारे घर की आज बहुत दिन बाद आई है और बच्चा को मेरे घर में नहीं, वो कहीं बाहर दी है और बाहर भी दी है तो एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि डोडो रिवा जीवा बहुत बदमाश है और उसके बच्चे को परेशान करेंगे तो करेंगे तो काट लेगी। छोड़ दीजिए बेटे, छोड़ दीजिए। तो हम एक रोटी इसको खिला देते हैं। हम रात में इसको खोजने गए हुए थे खाना खिलाने के लिए, बहुत आवाज़ दी इधर चारों में, तो आवाज़ दिए तो सुनाई नहीं दिया या शायद पता नहीं कहाँ पे थी तो नहीं खिला पाए, तो अभी आई तो हम इसको खिला दिए। सो बाय बच्चों, देखिए जीवा किस तरह से कर रही। बाय 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 कर दीजिए एक बार।
बाय बाय। बाय कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। सो बच्चे भी गुस्सा है तो कोई भी बाय नहीं करना चाहता है, पर अब मुझे देखिए बाय कर रही है। बाय डोडो। और तो दोस्तों हम प्यारे से सफ़र का मज़ा लेते लेते पहुंच गए हैं चंदवा, और चंदवा से अब हम लातेहार जा रहे हैं। और लातेहार का रास्ता देखिए, हमारे सामने एक देखिए मैसेज लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ब्रिज लगा। देखिए अभी एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है रोड में, लोग लापरवाही के कारण, ये शराब के कारण होता है। अरे नीचे जो आप देख रहे हैं ये माइंस, ये सिकनी माइंस है, और काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना माइंस है ये। सो हमारे पीछे का नज़ारा जो देखिए इस तरह का है, देखिए कितना बड़ा बड़ा पॉपलेन गाड़ी और मशीन लगा हुआ है इस जगह पे। इन जगहों पे अभी जाने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए कितना कितना दूरी है। अभी मैं 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र कर चुका हूँ। ये देखिए बहुत ही गजब का चर्च है और काफ़ी सुंदर नक्काशी किया गया है इस जगह में। हाय, thank you.
मैं बताना चाहता हूँ कि इस जगह पे इतने सारे बंदर हैं और बहुत सारे बंदरों होने का कारण भी इस जगह पे, जिस जगह इतना घना जंगल है, घना जंगल होने के कारण इस जगह पे बंदर काफ़ी ज़्यादा है और बंदर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इस जगह पे लोग आते हैं केला का छिलका केला दे के चले जाते हैं, तो जिसके कारण बंदरों का फैट बढ़ जाता है। इसलिए ऑयली चीज़ या ऑयली फैट वाला चीज़ बंदरों को देना सख्त मना किया गया, क्योंकि प्रकृति का दिया हुआ फल ही बंदर लोग खा के अपना पेट भर लेते हैं और सेहतमंद और स्वस्थ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस जगह पे लोग देखते हैं बाइक कितना रेस से जा रहा है, तो यहाँ पे कितने जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है, तो प्रकृति का बनाया हुआ एक इंसान बंदर भी एक भगवान का बनाया हुआ, तो लोग बंदर को या कीड़े मकोड़े जीव जंतु जानवर जंगल पेड़ पहाड़ पौधे को लोग क्या समझते हैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता। अब लोग इसी तरह से कुचल के लोग चले जाते हैं, चल देते हैं, तो ये सब न्यूज़ में मैं देखता हूँ, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे देखता हूँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं उस जगह पे आपको उस जगह का सीन और नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, तो चलिए देखते हैं कितने सारे बंदर हैं और कैसे हैं। सोचे देखिए पूरा बिस्कुटिया देख रहे ले ले तो जैसा कि देख रहे हैं आप हमारे पीछे कितने सारे बंदर हैं और देखिए हमारे पीछे, और अभी हम जस्ट अभी इन लोगों को बिस्कुट बहुत सारा खिलाए हैं, सो देखिए अभी इस जगह पे बहुत सारे जमा हो चुके हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ ये भी प्रकृति का एक भगवान का बनाया हुआ, जैसे इंसान को भगवान ने बनाया उसी तरह जानवर को भी भगवान ने बनाया है। तो इस जगह से जब भी आप क्रॉस करते हैं दोस्तों, तो गाड़ी अपना धीरे चलाएं और इस जगह पे थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाएं और अच्छे से चलाएं, ताकि जानवरों को भी किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुँचे। और इनको हम जब भी देखते हैं तो मुझे बहुत ख़राब या बुरा लगता है, तो इस तरह की कोई भी गलती ना करें कि जानवरों को कुछ चोट या नुकसान पहुँचे। तो देखिए हमारे पीछे कितने सारे, देखिए बंदर लोग किस तरह से वेट करते हैं। तो एक मैंने बिस्कुट का पैकेट यहाँ पे रखा था और यहाँ पे गाड़ी पे चढ़ा और उठा के सारा पैकेट ही ले गया और पता नहीं खाया कि क्या किया पता नहीं। इस जगह पे काफी ज्यादा है, देखिए हमारे पीछे छोटा सा प्यारा सा बच्चा है एकदम, हाय। बंदर बहुत ही चालाक और एक होशियार जानवर है और ये हमारा बहुत समय का पहले का इतिहास कहता है कि इंसान भी पहले बंदर था। तो देखिए इंसान की सारी हरकतें, इंसान बंदरों की सारी हरकतें इंसानों से मिलती जुलती है, सो ये कितना हकीकत है कितना सच है भगवान जाने। मतलब नहीं, ऐसा गलती नहीं कीजिए, जानवर का भी परिवार है ना अपना, तो
देखिए हम कितने सारे हैं इस जगह पे। लोग बंदरों का रोज का आना जाना है यहाँ पे। ये पालतू नहीं है, जंगली ही है, बट यहाँ पे देखिए अमृतसर में पहाड़ में भी किस तरह से लोग खेल रहे हैं। और यहाँ पे लोग इस जगह से जब क्रॉस करते हैं तो लोग कुछ फल फूल या बिस्किट या कोई भी चीज़ देते हैं, तो इस जगह पे लोग इंतज़ार करते रहते हैं, बंदरों वेट करते रहते हैं कि कोई इस जगह से जाए और हम लोग को कुछ दे के जाए। तो खाने की वजह से लोग वेट करते रहते हैं और कोई लोग इन पे गाड़ी चढ़ा के चला जाता है या इनको मार देता है। देखिए माँ बेटा हमारे पीछे, देखिए कितना प्यार से एकदम बैठा हुआ है, चिपका हुआ है अपनी माँ के गोद में। तो ये सब देख के मुझे बिल्कुल बहुत ख़राब लगता है। और यहाँ से लोग बंदर को भी उठा के ले जाते हैं। सो ये सब चीज़ किसी को अपने परिवार से जुदा कर देना या अलग कर देना बहुत दुखद बात है। तो इंसान को, जानवर को भी अपना एक परिवार है और जानवर में से सबसे ज़्यादा होशियार और समझदार जानवर बंदर ही होते हैं। तो आप, मेरा यही आज यहीं तक का टारगेट था। तो हमारे पीछे देख रहे हैं कितने सारे हैं और चलते बुलते इतने पूरा इस रोड में हजारों की तादाद में बंदरों का संख्या है यहाँ पे। और गलती से आप इसे छेड़ भी देते हैं तो आपका क्या हसर करेंगे, भगवान मालिक है। तो गलती ऐसा कभी ना करें, यहाँ पे बंदर पकड़ के कभी ना लगे, कभी भी कोई जानवर को ना मारे और गाड़ी इस जगह पे सावधानीपूर्वक क्रॉस करें, सावधानीपूर्वक लेके जाएं। और देखिए हमारा बिस्किट को पूरा पैकेट ही लेके चला गया था और अभी वो लोग छीना झपटी वहाँ पे लेके कर रहा है, लेकिन उस जगह पे दिखाई पता नहीं दे रहा है कि नहीं। सो दोस्तों, हमारा आज का जो मिशन था, जो हम घर से सोच के निकले थे, अपने बच्चों परिवार को छोड़ के निकले थे, सो आज का आज यहीं पर पूरा होता है। अगर हमारा ये जो काम करने का तरीका है, जो मैं जो करता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और ये जगह का नाम है पतकी, ये लातेहार से आपका मेनका की ओर जाता है। और देखिए बंदरों का आवाज़ आप सुनाई दे रहा होगा कि किस तरह से, देखिए पेड़ में कितना तहलका मचाया हुआ है। देखिए तो इस जगह पे पूरा बंदर, इस जगह पे आप देख रहे हैं जो जंगल दिखाई दे रहा है, इस जगह पे पूरा बंदरों का राज है। ये पूरा बंदर का इलाका है और यहाँ पे एक पिकेट है, पुलिस पिकेट है। जब भी आप इस जगह से रात को क्रॉस करेंगे, आपको इस जगह से रात में क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे क्या है नहीं है। बंदरों का यहाँ पे हज़ारों हज़ार की संख्या में इस रोड जाम रहता है रात के समय में, तो इसी वजह से यहाँ पे बंदर को क्रॉस करना वर्जित है, मना है, इसी वजह से मना किया जाता है। सो दोस्तों, अगर आज का आपको वीडियो मेरा हमारा अच्छा लगा हो तो देखिए आज हमारे साथ एक हमारा छोटा भाई है, सो से हाय। और हम इसी के साथ आए हुए थे और काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मज़ा आया। सो दोस्तों, अगर हमारा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे आए हुए थे और हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमारे दोस्त बन गए, तो एक लोग आप लोग से हाय। तो देखिए अच्छा लगा इन लोग से मिलके। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग तो रांची से आए हैं। अच्छा, रांची से आए हुए हैं। और कहाँ पे जा रहे हैं अभी आप? हम लोग अभी जा रहे हैं डाल्टनगंज। अच्छा, ये लोग डाल्टनगंज जा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और हमारा ज़रूर चैनल देखें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कल आप 8 बजे तक आएगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करो, बहुत कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस चैनल को, सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो ताकि आगे आने वाली सब वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहे अच्छी तरह से। तो मेरा डेली का ब्लॉगिंग है, आप जानते ही हैं कि हम पर डे आपका टाइम से ही मेरा चैनल जो है अपडेट होता है वीडियो। सो बाय बाय आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, निकलते हैं। ठीक है, से बाय बाय मंकी, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। डोडो रीवा को दिखाएंगे आपका वीडियो और जीवा को बाय बाय। तो डोडो रीवा काफ़ी खुश होगी, आती तो काफ़ी मज़ा करती। डोडो रीवा को बहुत पसंद है वहाँ पे। देख, से बाय बाय, बाय बाय।
देखिए दोस्तों, आई लव लातेहार, तो बहुत ही प्यारा जगह है। हम आए हुए हैं लातेहार, और लातेहार में है ये एक डैम और आई लव लातेहार लिखा हुआ जो हमारे पीछे देख रहे होंगे। और काफ़ी जगह सुंदर है ये, काफ़ी अच्छा है और बहुत ही प्यारा नज़ारा है इस जगह का। सो वहाँ पे एक पार्क भी है पर रात में बंद हो चुका है, अब देख रहे हैं जैसा कि। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कोई कमाल का चीज़ नहीं है, ये बांस का कटिंग करके लगाया हुआ है जो काफ़ी अच्छा कलर किया हुआ है इसमें, लाल हरा पीला नीला, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे। सो दोस्तों, इस जगह पे हम अभी के 9 बजे हैं रात,